गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBI PU। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग SBI PU 2021 के प्रिपरेशन के लिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा टारगेट SBI PU है, उसके लिए अलग से क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। हम बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी कर रहे हैं, बट जो हमारा ड्रीम जॉब है, जो फाइनल टारगेट है, वो SBI PU में सिलेक्शन अचीव करना है, सिलेक्शन सिक्योर करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी क्लर्क में सिलेक्टेड हैं, वो भी SBI PU को टारगेट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या किन किन चीज़ों पे स्पेसिफिकली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो, या फिर इंटरव्यू और GD राउंड में रहे। तो बारी बारी से हम इसको डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग विद द प्रिलिम्स सेक्शन। प्रिलिम्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों के तीन सब्जेक्ट्स जो रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश रहते हैं, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा हमारा जो प्रिलिम्स कोर्स है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। अब देखिए, जब आप प्री की तैयारी करते हैं, प्री का आजकल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लेवल में डिफरेंस रहता नहीं, ऑल्दो क्लैरिकल ईजियर रहता है और SBI PU का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट स्टिल जो लेवल है इतना मुश्किल नहीं रहता। इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्पीड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रहता है कि सर स्पीड के लिए क्या किया जाए। देखिए, अगर आपको स्पीड अचीव करनी है, वो कोई एक दो या तीन हफ्ते का पूरा टाइम फ्रेम नहीं है जिसके अंदर आप एकदम से स्पीड अचीव कर लेंगे। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए एक्यूरेसी, कि एक्यूरेटली आप एक ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना लें। जब आप ये अचीव कर लें, उसके बाद फिर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, टाइमर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो इम्प्रूवमेंट है वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट रहता है। तो इस पूरी प्रोसेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मानना है कि यार हम जो कर रहे हैं वो कुछ काम ही नहीं आ रहा। जो रिजल्ट्स हैं वो ग्रेजुअली दिखना स्टार्ट होंगे और ज़रूर दिखेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ फॉलो करते हैं, सिंसियरली फॉलो करते हैं। तो इसके लिए जो सोर्सेज हैं, एक तो प्रीलिम्स की जो लाइव सेशंस हैं आपको ऑलरेडी पता है, क्वांट्स फॉर रीजनिंग के लिए चल रही है। पुराना जो हमारा प्लेलिस्ट है पिछले रिक्रूटमेंट के लिए, क्वांट्स फॉर प्री और रीजनिंग फॉर प्री नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। और जो भी आपने मॉक टेस्ट सीरीज खरीद रखी है वहाँ से रेगुलरली आपको प्रैक्टिस लगानी है। रेगुलर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट, उसके लिए मेरा सजेशन रहता है कि संडे को दो मॉक्स दिया करो। मॉक्स देने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज करना, उसमें क्या स्ट्रेंथ्स रही, क्या वीकनेस रही, कौन से पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स हैं, और अगले संडे को उन पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए उन पर काम करना और वो गलतियाँ ना दोहराना, ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए। अब इंग्लिश के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट चैनल पे नहीं है हमारे, तो मैं कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। बस यही कहूँगा कि जैसे आपने हमें ढूंढा है, वैसे कोई एक अच्छा एजुकेटर ढूंढिए, अच्छा टीचर ढूंढिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जैसे कि हम क्वांट्स और रीजनिंग के लिए करते हैं। अब ये रही बात प्रिलिम्स की। अब प्रिलिम्स में इतना इशू स्टूडेंट्स को नहीं आता, जो मेन इशू आता है वो मेंस को, क्योंकि मेंस में जो एक पीओ मेंस और क्लर्क मेंस में जो लेवल का डिफरेंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है, एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑल दो इस साल जो IBPS क्लर्क मेंस का पेपर था वो बहुत अच्छे लेवल का था, बट जनरली ये रहता है कि क्लर्क मेंस का लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है और एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है पीओ मेंस में। तो पीओ मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा हमारे दो कोर्सेस अभी करंटली चल रहे हैं। M3 कोर्स के अंदर क्वांट्स की क्लासेस भी चल रही है, रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है। उन्हें डेली आप अटेंड करें, आप अच्छे से उन्हें फॉलो करें। उसके साथ साथ एक सजेशन और रहेगा, पुराने रिक्रूटमेंट की जो प्लेलिस्ट थी हमारी, क्वांट्स फॉर मेंस और रीजनिंग फॉर मेंस, इन दोनों प्लेलिस्ट से आप डिलीजेंटली रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहती है कि क्या सर प्री और मेंस की तैयारी साथ में की जा सकती है। डेफिनेटली की जा सकती है। मैंने अपने टाइम पे एक बार प्री में जब सर्टेन लेवल अचीव कर लिया था तो मेंस को भी मैंने अपने रिटून में इंक्लूड कर दिया था। मुझे लगा कि यार प्री की ऑलरेडी मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक सर्टेन लेवल अचीव कर चुका हूँ, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास टाइम है कि मैं इसको मेंस को भी इसमें इंक्लूड कर सकूँ। तो धीरे धीरे करके मेंस को इंट्रोड्यूस कीजिए, जैसे जैसे प्री और अच्छा होता रहे मेंस का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, और एक बार प्री का जब एग्जाम हो जाएगा तब तो आप पूरी तरह से मेंस करेंगे, बट पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए हमें अच्छा खासा टाइम स्टार्टिंग से ही देना जरूरी है, बट ओनली आफ्टर प्री में आप सर्टेन लेवल अचीव कर लें, उसके बाद बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लें, जनरल लेवल पे आपके सारे क्वेश्चंस बनने लग जाए, टाइम भी ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद आप मेंस को धीरे धीरे करके आप उसका भी टाइम जो है इंक्रीज करते जाइए। उसके लिए मैंने सोर्सेज आपको बता दिए हैं, लाइव जो कोर्सेज है, M3 जो कोर्स चल रहा है मेंस के लिए, पुरानी जो प्लेलिस्ट है,
और मॉक टेस्ट से सबमिट करके आप सर्टेन लेवल पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहता है अकॉर्डिंग टू मी और एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। और जनरल अवेयरनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है करियर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिलायबल सोर्स है तो वहाँ से भी कीजिए, बट स्टार्टिंग से कीजिए। ये मत सोचिएगा कि एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद करेंगे, नहीं, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। हमें डिटेल में उसकी प्रिपरेशन करनी है। और जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स जो सेक्शन है, अगर उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप मेंस में स्कोर कर लेंगे। और मेंस में अगर जनरल अवेयरनेस में ठीक स्कोर नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेंस के लिए मेरे कुछ सजेशंस थे। अब इंटरव्यू की अगर बात आती है तो इंटरव्यू के ऑलरेडी हमारे बहुत सारे सेशंस हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत सारे डल रखे हैं। तो जब भी इंटरव्यू का पीरियड आएगा उस टाइम आपको और रेगुलरली वीडियोज़ देखने को मिलेंगे और मेरी तरफ से सजेशंस देखने को मिलेंगे। अभी इंटरव्यू और जीडी के लिए आप परेशान ना हो, फोकस कीजिए प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन पे। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सारे सजेशंस मानते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ और जान लगा देते हैं सारी चीज़ें भूल के, ये साल भूल जाइए कि कुछ भी किया था, अब नेक्स्ट ईयर में जब आप याद करें इस साल के बारे में सिर्फ एक चीज़ याद आनी चाहिए, वो है पढ़ाई, वो है प्रिपरेशन, कि यार इस साल में मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ पढ़ाई की थी। और अगर आप ऐसा करोगे तो आई एम श्योर कि जो आपके SBA PO बनने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। अब SBA PO का नोटिफिकेशन का अभी तक तो ऐसा कुछ जिक्र है नहीं, ऑल दो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। SBA क्लर्क नोटिफिकेशन ड्यू है, बहुत जल्दी SBA क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद SBA का अगला टारगेट रहेगा SBA PO का नोटिफिकेशन। जनरली 2000 के अराउंड वैकेंसीज रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, वही वैकेंसीज इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन फिर से आप टफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे ना तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल जॉब सिक्योर किया है और करंटली वर्क कर रहे हैं, ब्रांच ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, करंटली एज अ PO SBI में काम कर रहे हैं और ये सपना आपका भी पूरा हो सकता है अगर आप इसके लिए तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ सजेशन थे जो आप लोगों के लिए मैं देना चाहता था। मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी, ऑल्दो मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए था नहीं, बट उस टाइम कंपटीशन भी कुछ खास नहीं था। 2015 में मैंने SBA PO का एग्ज़ाम क्लियर किया था, साल भर मैंने, मेरी पोस्टिंग थी गुवाहाटी, तब वहाँ पे मैंने जॉब किया था, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था। अब ये मत पूछिएगा क्यों छोड़ा, आप क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो मैंने सजेशंस दिए उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए, क्लासेज अच्छे से लगाइए, सेल्फ प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, एक अच्छी सी मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीद के रखिए, वहाँ से संडे को मॉक्स लगाना और सबमिट करके भी उसमें से प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमें लंबे समय तक करनी पड़ेगी, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, गुड नाइट, टेक केयर।